व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो। जैसे कि मार्केट अब ऑफ हो चुकी है, आज निफ्टी 50 बात करेंगे हम निफ्टी 50 की सीधी, और बैंक निफ्टी, और इन फ्यूचर हम फिर निफ्टी भी करेंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ का, निफ्टी का। तो हम बात करेंगे निफ्टी की ओनली, ठीक है। मार्केट बंद हो चुकी है, तो मैंने अगर आपको कल मैंने वीडियो डाली थी, अगर आपने देखी है, पता नहीं, अगर नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ। मैंने बोला था कि अगर गैप डाउन खुलेगा तो हमने इसी एक कैंडल में एंट्री लेनी है और इसी में एग्जिट हो जाना है। तो भाई मैंने यही किया था आज, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी और भाई थीटा पैसा बहुत खा रहा था आज। तो भाई मेरे को 600 का प्रॉफिट हुआ था, हो 800 का रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एग्जिट किया और वो 200 मतलब कि माइनस हो गया। मेरे कहने का मतलब कि अगर अगर रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। अगर रेड कैंडल यहाँ तक आई है ना, अगर आपका यहाँ तक 800 बन रहा है, अगर पीछे जाके फिर से दोबारा वापस आएगी तो यहाँ तक 600 रह जाएगा, 200 रुपया जो है ना वो थीटा खा लेगा। ये चीज़ है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मार्केट में आज एक्सपायरी थी तो फिर भाई थीटा पैसा बहुत ज़्यादा खा रहा था, ऐसा हो रहा था। क्योंकि मेरे को 1400 भी प्रॉफिट हो रहा था, जैसे ही नीचे नीचे जाके ऊपर जाके फिर से नीचे आया भाई, वो 1400 का भाई 1000 रह गया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा लालच हो गया भाई, इस बार मतलब कि थोड़ा सा प्रॉफिट में निकला, ओवरऑल लॉस में नहीं निकला, क्योंकि थीटा था आज बहुत पैसा खा रहा था। तो मार्केट आज पूरी की पूरी साइडवेज है, जैसे कि आप देख सकते हो, मॉर्निंग टाइम में था पैसा बनाने का टाइम, और इस यहाँ पर बल्कि मॉर्निंग में 11 बजे से पहले पहले 11 बजे तक, ठीक है। उसके बाद तो मार्केट में कुछ भी नहीं था भाई, पूरे का पूरा चक्का जाम साइडवेज किया हुआ था भाई, कोई फ़ायदा नहीं था भाई। मॉर्निंग तभी बोलता हूँ कि मेरी प्रिडिक्शन होती है सुबह सुबह, ठीक है। मैं हूँ स्कैल्पर, हम सुबह सुबह हम स्कैल्पिंग करते हैं और प्रॉफिट लेकर बाइक निकाल कर गेड़ी शेड़ी मारते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या प्रोग्राम क्या है कल का, ध्यान से सुन लो सबके सब, कल क्या हो सकता है। कल का है ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 20978, 20832, ठीक है। थोड़ी सी सुन लो कैसे क्या करना है, क्योंकि 2 दिन हो गया मार्केट की, देखो ना पीछे वाली मार्केट अगर देख रहे हो आप, 6 तारीख की मार्केट, और इसके पीछे अगर मार्केट देखो 5 तारीख वाली मार्केट, तो इसने ये वाला लेवल क्रॉस नहीं किया, 20978 वाला, मतलब कि 21,000 के लेवल तक अपनी मार्केट नहीं पहुंच रही, यहीं पे अपना टाइम पास कर रही है। तो फिर हमारा कल का क्या प्रोग्राम, कल का ये प्रोग्राम है, अगर इस ब्रेक इसको 20978 इसको ब्रेक करती है, या ब्रेक नहीं करती, या यहाँ पे गैप अप खुलती है मार्केट, ठीक है, और इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर जाती है, ठीक है, तो फिर हम अपसाइड का एक ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए, मॉर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर इसको ब्रेक कर देती, अगर इसको ब्रेक नहीं करती और यहीं पर, ठीक है, ध्यान से सुन लो, और यहीं पर 20,915 यहीं पर मार्केट ओपन होती है, तो फिर भाई क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, फिर स्कैल्पिंग करनी है डाउन साइड की ओर, क्योंकि फिर से दोबारा 20,832 के लेवल को टच करेगा, जैसे कि आज किया ये वाला देख लो ना, 20,848, ठीक है, तो यहीं पे आएगा और फिर से मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, और इसी में रह जाएगा, टाइम पास करेगा, ठीक है। पर लेकिन कल लग रहा है कुछ ना कुछ बड़ा होगा, ठीक है, तो ये चीज़ देखने वाली होगी, तो ये बात है। तो और भाई लोग एक चीज़ और है, अपना कैपिटल बचाया करो, ठीक है। ये नहीं है जैसे कि आज मैंने देखा है कि कई लोगों का लॉस हुआ होगा, पक्की पक्की बात है, क्यों, क्योंकि भाई वो देखेंगे हाँ रेड बन गई, ग्रीन बन गई, कूद पड़ो, ऐसा कर लो भाई, लॉजिक के साथ करोगे ना आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि सुबह सुबह अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी यहाँ से, तो हमने उसी में एंट्री लेनी है और एग्जिट हो जाना है, तो यही चीज़ है। तो यही चीज़ मैं आपको कल के लिए बोल रहा हूँ, अगर मार्केट यहीं से गैप अप खुलती है तो हमने अपसाइड का यहीं पे एंट्री बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करो मार्केट को, जैसे कि 1 मिनट दे दो, ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड दे दो, यहीं पे इस कैंडल में ये आप 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, तो ये एकदम से 5 मिनट एकदम से थोड़ा नीचे आ गई, तो इसने वेट किया ना 5 मिनट, पहले यहाँ पर था, थोड़ा सा रुका, फिर इसके बाद थोड़ा सा रुका, फिर थोड़ा, फिर एकदम से नीचे गया, तो हमारे पास टाइम था, 5 मिनट है हमारे पास। तो इसी यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, कल मार्केट अगर यहाँ पर यहीं पर ओपन हुई और ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो 1 मिनट 1 मिनट 30 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट
वेट करना कि मार्केट का मूव किधर है, ठीक है। कैंडल आपको खुद बताएगी कि मैं ऊपर ही जा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अगर ऊपर का होगा तो हम ऊपर का जरूर बाई स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो, और डाउन साइड का भी यही है कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनाता है दोबारा और 20,832 के लेवल को टच करता है या तोड़ देता है डायरेक्ट, फिर तो भाई हम कूद पड़ेंगे, सीधी बात, स्कैल्पिंग के लिए कूदेंगे और प्रॉफिट लेके एकदम से निकलेंगे। ये चीज़ है, तो कल की स्ट्रेटजी भाई सिंपल है, ठीक है। ये चीज़ है, ये दो लेवल है और इसके नीचे एक और लेवल, अगर ज़्यादा गैप डाउन खुलता है 20,704 का, फिर तो भाई हम डाउन साइड का सोचेंगे और 20,600 तक जा सकती है कल मार्केट, प्रडिक्शन है। पर कल देखते हैं क्या होगा कि ये दो लेवल तोड़ती है कि नहीं तोड़ती, 20,978 और 20,832। ओके गाइस, अभी तो यही था निफ्टी 50 में, अगर कोई और अपडेट होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू, राम राम।